मैं पूछना भी चाह रही हूँ लेकिन ये लोग मुझे बड़ा गुस्सा हो जाएंगे अगर वो कहेंगे हंस क्यों रही है कि हमारी जो पॉलिसी है का ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी उसमें कहा गया है कि जी सौ साल हम चाहते हैं कि भारत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो टर्म्स अच्छे हो ट्रेड हो तो कह अगर हम कुछ साल भी अगर हम कर पाए तो बड़ी बात है सौ साल तो मुझे नहीं लगता लेकिन आपको क्या लगता है सर क्या हम सौ साल ऐसे कर पाएंगे क्या हम अच्छे टर्म्स बनाने की तरफ चल पड़े हैं क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी गई है आरजू जी मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना उम्दा बयान आ सकता है लेकिन अगर आया है तो हम एतवार करें और उम्मीद करें कि साफ गोई से दिया हुआ बयान है लेकिन हमने आगे के सौ दिन नहीं देखे हैं और हम सौ साल की बातें कर रहे हैं और ये भी तो हमें देखना है कि चेंज जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो आई है हमारे माली हालात क्या हैं और सामने हमें होराइजन में दिखाई क्या पड़ रहा है उसके मद्देनजर हमारे पास रास्ते क्या थे मैं ये कहता हूं कि आज अगर मैं कहूं कि पूरी तवारीख में ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई दावा लेकिन यह दावा बहुत उमदा है कभी कभी कोई तो पहल करेगा ही अगर पाकिस्तान ने किया है तो जिसने भी किया है मेरी मुबारकबाद उनको कि कम से कम बिस्मिल्लाह तो किया एक संग बुनियाद तो डाली आपने तो सही सौ साल के बारे में और जियो पोलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से बदल रही है पहले पांच साल दस साल की बात होती थी फिर ढाई साल की बात हुई फिर एक साल की बात हुई और अब तो जैसे वनडे क्रिकेट ट्वेंटी ट्वेंटी का जमाना आ गया है हंड्रेड ईयर्स किसने देखा है हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं जिस तेजी से बदल रहे हैं लेकिन जिस तरीके से हालात सऊदी अरेबिया और दुबई और इस्लामिक वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट में बदले हैं यूरोप में बदले हैं अमेरिका में बदले हैं और जो नई फ्रेंडशिप्स आ रही हैं अफगानिस्तान की वजह से जो चेंजेस आए हैं उसके मद्देनजर शायद और ये मैं फिर उसकी बहुत बहुत इसको वेलकम करूंगा कि पाकिस्तान का सौ साल तक वो हिंदुस्तान के साथ अमन चाहता है कोई जंग नहीं चाहता है और ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहता है इससे ज्यादा खुशखबरी क्या हो सकती है लेकिन इसको जब तक अमली जामा नहीं पहनाएंगे या जब तक इसके सबूत नहीं देंगे ये जो उन्होंने कहा है कौल फेल में कोई अंतर नहीं है कोई फर्क नहीं है जो कह रहे हैं वही जबान पे है वही दिल में नहीं आप बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं सर लेकिन ये चीज एक बड़ा अच्छा किस्म कहना चाहिए कि स्टेटमेंट आया है उम्मीद कोई नहीं कर रहा था और हम लोग अगर सौ साल सुन के हमें हंसी आई हमने कहा अगर ये पांच दस साल भी कह दें और पाँच दस साल भी अगर अच्छे हम गुजार पाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी लेकिन साथ ही हमने देखा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह है महमूद कुरैशी साहब वो स्पेन के विजिट पे थे और वहां उन्होंने कश्मीर का बिल्कुल नाम नहीं लिया वरना हम लोग हर जगह जाकर जा, कश्मीर कश्मीर करने की आदत से और कहते भी हैं कि हम हर जगह जाके कश्मीर के इशू को हाईलाइट करेंगे लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया और इस चीज को ये भी यहाँ पे काफी लोग बात कर रहे हैं क्या ये भी एक स्टेप है उस तरफ के हम कश्मीर को थोड़ा सा साइड पे करके और अपने टर्म्स बेहतर करने जा रहे हैं ये बड़ी मुबारक बात है बड़ी मुबारक खबर आपने दी है मैं समझता हूं कि हर हिंदुस्तान पाकिस्तान का दोस्त इसको इसका इस्तेवाल करेगा और जिन्होंने भी हमारे जो वजीर साहब हैं उनको मुबारकबाद पेश करेगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है और इसको हर तरफ इसके मुताबिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसको रेसिप्रोकेट भी करना चाहिए अगर स्पेन जाके उन्होंने कश्मीर का तस्करा नहीं किया तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है और अगर संग बुनियाद में उन्होंने इस तरीके की मोहब्बत और खलूस डाल करके कोई एक बुनियाद के ऊपर इमारत बना रहे हैं मुझे कोई शक नहीं कि वो इमारत बहुत बुलंद होगी बहुत मुबारक होगी और अगर शुरुआत ही अच्छी हो गई है वेल बिगन इज हाफ डन आगे देखिए क्या होता है लेकिन अगर इतनी शुरुआत की है तो वो जो हमारे तमाम हालात हैं जियो पोलिटिकल चेंजेस हैं शायद अमन हमारी अब मजबूरी है जंग कोई एफोर्ड नहीं कर सकता ना हम ना पाकिस्तान कि सर ये बात तो हमेशा से होती रही है कि अगर कश्मीर का इशू ना हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से इनके आपस में जो है वो अच्छी तरह से बातचीत ना हो या ट्रेड शुरू ना हो आपको क्या लग रहा है कि अचानक जो तब्दीली आई है उसकी क्या वजह हो सकती है क्या कोई और तीसरा मुल्क हो सकता है जिसने प्रेशर डाला हो चाहे सऊदी अरब हो या अमेरिका या क्या वजह हो सकती है कि ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि पाकिस्तान का रवैया बदलाव है

नतीजा किसी के हाथ कुछ नहीं अगर वही पैसा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिल जाता तो आज चमन हो जाते दोनों मुल्क हकीकत यह है वो पैसा बिल्कुल मद इंतजामी में और बेईमानी में और जंग में बिल्कुल बर्बाद हो गया और जो आपने फरमाया है सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जियो के सबसे बड़े प्लेयर्स कौन है अमरीका रूस सऊदी अरेबिया और किसी हद तक यू ये तमाम प्लेयर्स चाहते हैं कि अमन रहे क्योंकि तो अमन नहीं रहेगा तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है उसमें सबका नुकसान है दहशतगर्दी बढ़ेगी और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फॉर्ट लाइन ये है कि जो चीज़ जिसका काम है उसके पास रहनी चाहिए फौज का काम है लड़ाई और सिक्योरिटी एक्सटर्नल एग्रेशन को इंतज़ाम करना हुकूमत करना फौज का, का काम नहीं है या कॉमर्स और इंडस्ट्री में आना फौज का काम नहीं है अगर फौज कॉमर्स और इंडस्ट्री में आएगी हुकूमत में दखलंदाजी करेगी वो फौज कहाँ रही थे और इसीलिए वो जो काम हमारे हुक्मरानों का है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का है वो काम उनको करने दें फौज अपना काम करे और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपना काम करें पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है कि चाहे मियां नवाज शरीफ हो या और भी कोई उनसे पहले पॉलिटिकल लीडर्स थे और आज भी फौज ने उनको कभी खुली हवा में सांस लेने का मौका नहीं दिया मेरी बातें बुरी लग सकती हैं लेकिन जो दुनिया में और हिंदुस्तान में परसेप्शन आ रहा है आरजू जी वो ये आ रहा है फौज का अपने जो उसका जो दायरा है अपनी सलाहियत आगे बढ़ाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन वो फौज के काम कम कर करके ट्रेड और कॉमर्स और इंडस्ट्री में कहीं पिज्जा बेचना फौज का, का काम है कहीं ये ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फौज का, का काम, फौज का, का काम राइफल गन्स आर्म्स एंड एमशन तैयार करना है फैक्ट्रीज को चलाना है तो उसके ऊपर दे और दूसरी चीज है जो प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ वो पॉलिटिकल लीडर्स ने किया हो नहीं किया लेकिन अगर किया है तो उनकी आर्मी ने फिफ्थ जनरेशन वॉर ला करके मदरसों को एक फैक्ट्री बना दिया है जिहादियों को तैयार करने के लिए उन्होंने जो इस तरीके की प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मेरे तो बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान में कभी कोई नहीं चाहता है कि इस तरीके की दहशतगर्दी हो दहशत गर्दी एक जंग का एक तरीका है जो नया है पिछले पच्चीस तीस साल में ज्यादा चला है ये फौज का ही चलाया हुआ है फौज ने ही चला दिया और आज पाकिस्तान की जो शर्मिंदगी पूरी दुनिया में बैन अरादरी में हो रही क्यों हो रही है मदरसा और दहशत गर्दी उसको शुरुआत किसने किया है क्या बैन भुट्टो ने किया था मुझे तो उम्मीद नहीं है क्या मियाँ नवाज शरीफ उनमें तो यह काबिलियत ही नहीं कि कुछ कर सकें इस तरीके की कोई सोच भी सकें लेकिन फौज मैं पूरी जिम्मेदारी दहशत गर्दी की पाकिस्तान की फौज और हमारे परवेज मुशर्रफ साहब वो अपने हाथ हाथ उनके हाँ साफ नहीं बल्कि बयान तक दिया कि जो दो चार जो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त जो इंसिडेंट हुए थे उसमें उन्होंने एक किया कि ये तो हाँ हम लोगों ने कराया था तो फौज अपना काम करे वो ऐसे काम ना करे कि पाकिस्तान की जड़ काटने की कोशिश करने लगे नहीं सर बिल्कुल परवेज मुशर्रफ साहब के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड पर हैं कि उन्होंने कहा कि हमने जिहादी तैयार किए हमने जिहादी भेजे लेकिन अब उस टाइम से लेके और आज के वक्त तक में जो जिहादी उन्होंने तैयार किए थे बल्कि उनसे भी पहले हक के जमाने से जो जी कुछ जी। चला आ रहा था वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जो जो कहना चाहिए कि जो काम हमने खुद शुरू किया था वो खुद हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा तो पहले भी कई बार कोशिश की गई कि भारत के साथ टर्म्स अच्छे हों और फिर कोई ना कोई हादसा ऐसा हो गया जिसकी वजह से फिर दोबारा से वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई आपको लगता है कि अब पाकिस्तान उन सब चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे इसलिए कि पहले से कहीं ज्यादा अजीब से माइंडसेट के लोग यहाँ पर हो गए हैं जिहादी तंजीमें यहाँ बढ़ चुकी हैं और जो बार बार गजवाए हिंद और किस किस तरह के नारे लगाते हैं उनको कंट्रोल करना क्या आप पॉसिबल होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी अब अगर उनको रोकना भी चाहे तो क्या रोक पाएंगे आरजू साहिबा अब उनके पास पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता नहीं कंट्रोल करना पड़ेगा अब पाकिस्तान का मुस्तबिल मुझे बहुत साफ और उमदा दिखाई पड़ रहा है और कोई भी उसकी अगर आड़े आता है तो पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम को उसको नेस्त करना होगा ये एक बदनुमा धब्बा है पाकिस्तान के तवारीख में कि इस तरीके की तनजीमें तैयार हुई हाफिज़ सईद तैयार हुए और इस तरीके के मुल्ला मोहम्मद उमर इस तरीके के लोगों को मौका दिया गया पनपने का या तालिबान को हमने ऑक्सीजन दी उनको रसद और पैसे दिए ये बहुत ही गैर मुनासिब था लेकिन अब दुनिया के सामने पाकिस्तान बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है आपके सामने आपके पास इतने एक्सपर्ट्स आते हैं दुनिया भर से आते हैं अमेरिका से आते हैं कहते कितनी शर्मिंदगी होती है कितनी शर्मिंदगी होती जब ये सुनने को आ रहा है तब जब आपका थिंक टैंक ये लोग जो मैटर करते हैं पाकिस्तान के लिए और ये लोग जो जानते हैं ये आखिर इन्होंने किसका मुंडाफा आज पाकिस्तान की बदहाली जो है इन जिहादियों ने की है कि इकॉनमी को बिल्कुल खत्म कर दिया इकॉनमी को खत्म ही नहीं कर दिया इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल उस 1960 में आजू साहिबा आपको जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे था जीडीपी में जाहिर है कि कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ काम हुए 1960 के बाद सैंतालीस में दोनों मुल्क आजाद हुए उन्नीस में पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे था उसकी प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान से ज्यादा थी क्या वजह है कि साठ के बाद आज पाकिस्तान के पास जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सिर्फ चौदह बिलियन डॉलर पाकिस्तान का जीडीपी हमारे एक छोटे से स्टेट महाराष्ट्र से भी हल्का है महाराष्ट्र का जीडीपी डी पी बिलियन डॉलर है पाकिस्तान का गालिबा दो सौ अठहत्तर बिलियन डॉलर है आखिर कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी गलती हुई है और सबसे बड़ी गलती ये सिर्फ नहीं नहीं कह रहा पूरी दुनिया चीख चीख के ये कह रही आजू साहिबा कि इसमें दहशत का हाथ है पाकिस्तान की दस्तकारी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इतनी डेप्थ और पोटेंशियल है कि वो आज भी अपने एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत आगे तक ले जा सकते हैं आप गौर कीजिए इस पे, हसन निसार आपके फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है। उनके एक शो में वो कह रहा था कि बांग्लादेश निकले हुए अभी पचास साल नहीं हुए आज बांग्लादेश ने भी पछाड़ दिया पाकिस्तान को ये क्या वजह है पाकिस्तान ने कितना पुराना मिल्क और बांग्लादेश नया जंग ने उसको बिल्कुल नेतनाबूद कर दिया आज बांग्लादेश जो है कितना आगे निकल गया और यही हसन निसार साहब का दूसरा लतीफा कि गालिबन 1955 के आसपास अमेरिका से कुछ इमदाद आई थी वॉशरूम्स के लिए तो उन्हीं की जुबान में जैसे हसन कहते हैं कि मोटे मोटे पेट वाले बड़े बड़े मूछे वाले पठान <laughs> बंगाली मिनिस्टर ने कहा कि इसमें से कुछ हमको भी दे दीजिए तो उन्होंने बहुत ही ठसक के साथ कहा तुम बंगालियों के लिए तो केले के दरख्त ही काफी ये शरीफों के लिए ये सब आ, साज और सामान शरीफों के लिए आया तुम लोग तो समझोगे इसका इस्तेमाल कैसे और कहां पर पाकिस्तान है, इस पे गौर करने की बात है और कोर्स करेक्शन की जरूरत है लेकिन सर आपके और मेरे फेवरेट जैसे आप कह रहे हैं दिया है उस पर काफी हंगामा हुआ हुआ यहाँ पर और उनको अदालत ने भी बुला लिया क्योंकि उनका कहना था कि जो भी डेमोक्रेसी का नाम ले पाकिस्तान में उसको फायरिंग स्कॉड के आगे खड़ा कर दिया जाए और गोली के पैसे उसके घर वालों से लिए जाए तो वो हसन साहब को अदालत ने कहा कि जरा शरीफ ले आइए और बताइए कि आपने क्या कहा है तो आ, मैं नहीं समझती कि इस तरह से जो है वो फौज को दावत देना कि आप आके मुल्क पे फिर से कब्जा कर लीजिए ये कुछ मुनासिब बात नहीं की हसन साहब ने लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है सर कि अभी जो स्टेटमेंट जैसे दी गई है पॉजिटिव किस्म की हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान की तरफ से तो तो क्या भारत भरोसा करने को तैयार है भारत एक बार फिर मौका देगा एक अच्छे कदम उठाने का दोस्ती का आरजू साहिबा पाकिस्तान हमारा भाई था भाई है और भाई हमेशा रहेगा आपने किसी शो में मुझसे पूछा था कि न्यूक्लियर बटन मैं बता दूं मैं बहुत यहाँ दोस्त हैं और अगर मैं कहूं कि उनमें पंद्रह के रिश्तेदार इमीडिएट फर्स्ट कजन कसिन, सेकंड कजन पाकिस्तान में और यही हाल पाकिस्तान के लोगों के हमारे यहाँ रिश्तेदारियां हैं है। हम किसके ऊपर बॉम्ब फेंकेंगे किसका खून बहाएंगे अपना पहले किसी और का बाद में चाहे पाकिस्तान हमारे ऊपर बॉम्ब गिराए हम पाकिस्तान के ऊपर खून हमारा ही बहेगा साझा खून बहेगा इससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी हिंदुस्तान या पाकिस्तान में अगर इसके ऊपर दोनों मुल्क अमल अमली जामा पहना दे पाकिस्तान ने एक पहल की है हिंदुस्तान को बड़े भाई होने के माने यही है कि दो कदम और आगे बढ़ के देखे कि क्या खिदमत कर सकता है क्या चीजें Okay, ताली दोनों हाथ से बसती है क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि दोनों में एतमाद पैदा हो एतवार पैदा हो और एक दूसरे एटमोसफियर में बातचीत आगे बढ़े और एक्शन हो ट्रेड और कॉमर्स ही अगर हम सिर्फ एक चीज पे पकड़ दें ट्रेड और कॉमर्स पे आप ये भी देख लीजिएगा कि काफी आंसू पुछ जाएंगे पाकिस्तान के भी और हमारे भी ट्रेड और कॉमर्स को भी अगर हम थोड़ा मोस्ट फेवर्ड कंट्री का अगर हम स्टेटस दे दें दे, या हम इस तरीके की कुछ सहूलियात दे दें इंडस्ट्री को हम थोड़ा सा मौका दे दें ग्रो करने का ट्रेड और कॉमर्स को दे दें सिर्फ इतना ही कर दें कि हम बजरिये पाकिस्तान कोई भी दहशत गर्दी कश्मीर में नहीं होगी मैं समझता हूँ इससे बड़ी सहूलियत क्या हो सकती है ये तो इतनी बड़ी एक लाइफ लाइन दोनों मुल्कों को मिलेगी कि मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियाद के ऊपर तरक्की आसमान छूलेगी लेकिन सर जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम कश्मीर का नाम नहीं लेंगे तो क्या भारत भी कश्मीर का नाम नहीं लेगा क्योंकि आपके यहाँ से भी कहा जाता है कि जो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान की तरफ है कि हम वो ले लेंगे और हम उसको भी अपने साथ मिला लेंगे फिर गिलगित गल्तिस्तान का नाम भी लिया जाता है और कई तरह की ये बातें वहां से मौसम भी बताना शुरू कर दिया था एक जमाने में तो आप लोगों ने लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत भी अब ये बात करना बंद कर देगा अगर पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर ना करे तो क्या भारत भी नहीं करेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि दानिश मंदी आरजू साहिबा यही कहती है कि अगर पाकिस्तान ने इतना बड़ा गारंटी कार्ड सौ साल का दिया है तो कम से कम बड़े भाई की जिम्मेदारी कि ऐसा कोई काम ना करे कि छोटे भाई को तकलीफ हो या उसको दहशत हो या उसको कोई रंज हो अगर छोटे भाई ने इतनी बड़ी सहूलियत दी है तो बड़े भाई के भी कुछ फ़र्ज़ हैं और उसमें सबसे बड़ा फर्ज़ ये है कि ऐसा कोई काम या ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे छोटे भाई को तकलीफ हो और इस साथ ही लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उन्होंने कहा कि जी आ, हमारी इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी भारत की इकोनॉमी से बेहतर है आप इस बात से एग्री करेंगे क्या आरजू साहिबा छोटा मोटा हम मैं पुलिस में रहा हूँ छत्तीस साल हमारी शहरत आम क्या है जो पाकिस्तान में है वही हिंदुस्तान में है झूठ उतना बोले जितना की आदमी कर ले पाकिस्तान की आवाम बहुत सहीन है और सच को जानती है उन्नीस बीस का हम फर्क करें यहाँ पर जो हमारा फॉरन डेट है आज जी डी पी से ज्यादा है और इन हालात में हम आई एफ के सामने एक बिलियन डॉलर के लिए गिड़ गिड़ा रहे हैं सऊदी अरेबिया से तीन बिलियन डॉलर के लिए हम सहूलियत दे रहे हैं चार परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर और वो भी जो जाएगा तो साल भर तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में साल भर रहेगा ये जियो न्यूज बता रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो हालात है और पैर के बयान एक वजीर साहब फरमाते हैं कि जरा कम खाइए उससे जो है माली हालात पाकिस्तान की ठीक होगी अब इस तरीके के बचकाने जवाब या रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं की जाती है पेट्रोल के दाम सबसे सस्ते हैं कहाँ सस्ते हैं मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ आरजू साहिबा आपके घर के बहुत नजदीक पंचानवे रुपए लीटर यहाँ पे पेट्रोल है छियासी रुपए लीटर डीजल है मैं नहीं समझता हूँ अपने यहाँ चेक कर लीजिए मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा लेकिन पाकिस्तान में से कहीं ज्यादा है जबकि आपका क्रूड का दाम क्योंकि जो कॉस्ट है वो कम है क्योंकि पाकिस्तान में क्रूड सस्ता था जाहिर है टैक्से इतने ज्यादा लगा दिए हैं आप स्टॉक एक्सचेंज ले लीजिए आपके यहाँ मुश्किल से दो बिलियन का स्टॉक एक्सचेंज है हिंदुस्तान का तो है शायद दो ट्रिलियन का स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज कराची स्टॉक एक्सचेंज बेरली एक है हिंदुस्तान में एन भी है बी भी है आप अगर ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का टोटल जो होल्डिंग है उससे ज्यादा तो हमारी कई इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्री उससे ज्यादा उसकी होल्डिंग है और इस पर यह कह देना इमरान साहब का वो पाकिस्तान के यहाँ को ये उन्होंने बयान दिया था रावलपिंडी पिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में और वहां पर उन्होंने शायद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में खुशफहमी में कह दिया होगा नियत खराब नहीं इमरान साहब की नियत अच्छी ही है लेकिन नियत भी अगर अच्छी है अब इमरान साहब के दो लतीफ़े और उन्होंने कहा हिटलर को बहुत बता दी क्योंकि हिटलर क्यों बहुत मुतासर हैं लेकिन हमें लगता है हिटलर ज्यादा मुतासर वो उनके प्रोपिगेंडा मिनिस्टर से मुतासर है डॉक्टर गोयबल से जिन्होंने ये कहा था कि एक ही झूठ को जब हजार बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा और ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि आवाम ये समझे यही सबसे बड़ा सच है और दूसरा उन्होंने एक ये कहा था कि इमरान साहब मैं क्या कहा उसके दूसरा शो करना पड़ेगा कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक है हमें लगता है कभी कभार प्रेसिडेंशियल एडवाइजर्स को एटलस और ग्लोब दिखा देना चाहिए किसकी किसका बॉर्डर कहाँ लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो लगता है लेकिन जर्मनी जापान हजारों किलोमीटर दूर है कोई बॉर्डर उनका लगने का कोई सवाल नहीं है बहरहाल इमरान साहब अच्छे क्रिकेटर हैं एक खिलाड़ी दिल का बड़ा साफ होता है वो उससे उम्मीद की जाती है कि साफ गोई से पेश आए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने कहा है इसीलिए कहा होगा कि आवाम घबराए नहीं हालात है अब यह सौ साल की गारंटी कार्ड उन्होंने दिया है मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी बुनियाद के ऊपर जो तरक्की होगी जो डेवलपमेंट होगा और इमरान साहब के हुँ? पूरा मुल्क और हम सब हमारी गुड विशेष पाकिस्तान के साथ हैं हमारी मुबारकबाद पाकिस्तान के साथ हैं कि खूब तरक्की करें सब लोग खुश रहें और दोनों भाई छोटे भाई बड़े भाई मिल करके और आगे तरक्की करें क्या वजह है कि पाकिस्तानी जब अमेरिका और यूरोप जाता है तो टॉप साइंटिस्ट टॉप लेक्चरर हो जाता है लेकिन पाकिस्तान में नहीं भाई हसन निसार साहब की बात हमारे पाकिस्तान में शराब हराम है लेकिन रिश्वत हलाल है तो इस चीज़ को दोनों करने के शराब भी हराम है और रिश्वत भी हराम है तब पाकिस्तान तरक्की करेगा लेकिन ये नसीहत निसास जी ये दोनों बुलकों पे लागू होनी चाहिए जी। बिल्कुल सर और यही मैं कहना चाहूंगी लास्ट में कि सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा बल्कि एक्शन भी उसी तरह का होना चाहिए जिससे कि पता लगे कि हम इस जो जो स्टेटमेंट हमने दिया है या जो हम कह रहे हैं कि सौ साल हम किसी किस्म की टेंशन नहीं चाहते वो हम वाकई में चाहते हैं इसलिए हमें उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा सिर्फ बात कर देने से जो है वो ये सारे मसले हल नहीं हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ ही जो है वो कोई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने को अभी मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी तैयार है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमें खास तौर पे पाकिस्तान को खुद को प्रूव करना होगा कि जी हम बाकी में इस चीज में बहुत सीरियस हैं कि हम भारत के साथ टर्म्स अच्छे चाह रहे हैं और आ, मुझे तो खैर बड़ी खुशी है क्योंकि मैंने हमेशा पहले दिन से आ, जो है वो चाहा कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो रिलेशन अच्छे रहें बाकी थोड़ी बहुत खटपट तो घर में भी चलती रहती है लोगों के तो कोई खास बात नहीं है लेकिन ज्यादा टेंशन ना हो तो अच्छा है बहुत शुक्रिया